हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो एंड तक देख लेनी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पे वीडियो देखते हैं तो आपकी भी एमबी जल्दी ख़त्म हो जाती होंगी। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए ये सेटिंग कर लेनी है, क्योंकि इंस्टाग्राम ने वो सेटिंग मतलब दी है, तो आपके लिए वो सेटिंग कर लेनी है, क्योंकि जिससे आप अगर दोस्तों आप इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं तो आपकी अगर 100 MB खत्म होती हैं तो उसकी जगह पे सिर्फ आपकी 40 या 50 MB खत्म होंगी, आपकी MB बहुत कम खत्म होंगी। तो आपके लिए वो सेटिंग ज़रूर कर लेनी है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए यही बताऊंगा कि हम इंस्टाग्राम में अपनी मतलब MB को कैसे बचा सकते हैं, अगर हमारा ज़्यादा डाटा खत्म हो रहा है तो उसकी जगह पे कम डाटा कैसे खत्म होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए इंस्टाग्राम रील्स में डाटा सेवर कर लेना है। तो आज की इस वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की मजेदार वीडियो आपके लिए चैनल पे देखने मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, आपके लिए अपने प्रोफाइल पे आ जाना है, इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। और दोस्तों, इंस्टाग्राम में नए से नए अपडेट आते रहते हैं, तो दोस्तों आपका इंस्टाग्राम भी पूरा चेंज हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने करना है, यहाँ पे इंस्टाग्राम साइड में थ्री डॉट देखने को मिलेंगे, तो थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। और आप यहाँ देख सकते हैं, पहले हमारे यहाँ पे सिर्फ सेटिंग का ऑप्शन आता था, अब यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आता है। दोस्तों, आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगर आपका इंस्टाग्राम अभी चेंज नहीं हुआ है तो आपने अपडेट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अपडेट होने के बाद आपका चेंज हो जाएगा। अगर नहीं होता है फिर भी मैं आपके लिए वो सेटिंग बता देता हूँ। आपके लिए करना है, यहाँ पे अकाउंट सेंटर का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, उसमें आपके लिए वो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा तो आप लोग उसको क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल नीचे आना है। ठीक है, नीचे आने के बाद आप लोग बिल्कुल नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप लोग एक ऑप्शन देखने मिलेगा, यहाँ पे डाटा यूजेज एंड मीडिया क्वालिटी, आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम में ये ऑप्शन है, तो आप लोग इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके लिए इस सेटिंग करने के बाद आपके लिए एक सेटिंग और कर लेनी है, वो भी मैं आपके लिए सेटिंग बताऊंगा। ठीक है, जिससे आप अपने इंस्टाग्राम में MB ज़्यादा बचा सकते हैं। ठीक है, तो आप लिए करना है दोस्तों, ये जो सेटिंग है आप इसे ऑन कर देना सबसे पहले आपके डाटा सेवर की। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ऑन करेंगे, इसे ऑन करने के बाद आपके लिए दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा हाई रेजोल्यूशन मीडिया, तो आप लिए इस ऑप्शन पर भी क्लिक कर देना है। आप अगर दोस्तों आप यहाँ पे वाईफाई कर देंगे तो आप जैसे ही वाईफाई कनेक्ट करोगे तो दोस्तों आपकी मतलब MB ज़्यादा खत्म होने लगेंगे, तो आप लिए सिर्फ सिंपल तरीके से नेवर कर देना है सबसे ऊपर वाले इस ऑप्शन पर। करने के बाद अब दोस्तों आप लिए करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने मिलेगा मीडिया क्वालिटी, यहाँ पे आप रील्स अपलोड करते हैं तो आप लिए इसे ऑन रखना है या फिर ऑफ भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इससे सिर्फ आपकी MB तभी ज़्यादा खत्म होंगी जब आप इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करोगे। ठीक है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसे ऑन कर सकते हैं, वरना आप इसे ऑफ ही रहने दें। ठीक है, इससे कोई भी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। फिर इसे करने के बाद आप लिए दोस्तों यहाँ से बैक आना है, बैक आने के बाद ये सेटिंग यहाँ से हो गई है, उसके बाद आपके लिए अपने मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाना है। इंस्टाग्राम की सेटिंग्स में आने के बाद अब आप यहाँ पे एक ऑप्शन देखने मिलेगा, एक यहाँ पे ऐप्स का। ठीक है दोस्तों, तो आपके भी मोबाइल में ऐप्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप लिए इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप ऊपर सर्च बॉक्स पर क्लिक करके सर्च भी कर सकते हैं। करने के बाद अब आपके यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने मिलेगा सबसे ऊपर, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिससे आपके मोबाइल में जितने भी सारे ऐप होंगे वो आपके यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर अपना जो इंस्टाग्राम है वो उसे देख लेना है। ठीक है, इंस्टाग्राम यहाँ पे आ गया है, इंस्टाग्राम पे आपके लिए क्लिक कर देना है। इंस्टाग्राम पे मैंने क्लिक कर दिया। इंस्टाग्राम पे क्लिक करने के बाद अब दोस्तों आपके यहाँ पे एक ऑप्शन देखने मिलेगा डाटा यूजेज का। ठीक है, तो आपने क्या करना है, डाटा यूजेज वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन देखने मिलेगा बैकग्राउंड डाटा का, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं आपके मोबाइल में ऊपर नीचे कहीं पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपके बैकग्राउंड डाटा जो आपके मोबाइल में ऑन होगा आपके लिए इसे ऑफ कर देना है। ठीक है दोस्तों, मैंने ये सेटिंग ऐसे कर दी, मतलब इंस्टाग्राम में कम एमबी खत्म हो रहा है या फिर अभी भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, इस तरह वीडियो देखने के लिए मिलती रहती हैं।